हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कशफुर। अगर आपको मेरा रिसर्च अच्छा लगता हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो ज्वाइन बटन क्लिक करके, सो दैट वो वैल्यू यूज़ करके मैं चैनल को ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। आज के वक्त अगर हम बात करें, जो आईटी इंडस्ट्री है इज़ नो लॉन्गर लिमिटेड टू वर्क सच एज आपका बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सेट्रा। आज के टाइम पे ये एंगेज है बिजनेस वैल्यू को ग्रो करने के लिए, आईटी इंडस्ट्री सपोर्ट कर रहा है दूसरे वर्टिकल्स को। अभी की जैसे कि आपका रैपिड डिजिट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जिसके वजह से आईटी इंडस्ट्री पूरा का पूरा आपका बैक ऑफिस से एक तरह से कहो तो फ्रंट ऑफिस पोजीशन के ऊपर खेल रहा, मतलब पूरा का पूरा फ्रंट ऑफिस पोजीशन जहाँ पे आपका लीड जनरेट करना हर एक चीज़ आईटी के थ्रू ही हो रहा है। जैसे कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अगर हम अभी देखें, जैसे कि आपका क्लाउड हो गया, क्लाउड माइग्रेशन हो गया, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन हो गया, रोबोटिक्स हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा, एक तरह से को तो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है और उसी का ग्रोथ है आने वाले वक्त में। सो 65% के आसपास जो ग्लोबल जीडीपी है विल बी डिजिटलाइज्ड बाय FY 2022, मतलब ऑलमोस्ट कहूँ तो $6.8 trillion के आसपास स्पेंडिंग इंक्रीज होने वाला है आईटी का 2023 तक, जो अभी के टाइम पे $4.1 trillion के आसपास है। अभी अगर हम देखें आईटी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दे रहे हैं, जहां पे ये कंबाइंड ग्रोथ की बात करें टोटल आईटी इंडस्ट्री का $147 billion के आसपास है। और अभी के साथ साथ ये भी देखा गया है कि ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनीज है मेजॉरिटी 80% अपना एक तरह से कहूँ तो आपका क्लाउड एडॉप्शन कर रहा है और 2021 तक आपको पूरा दिखाई भी देगा। सो आज हम ऐसी एक कंपनी के बारे में बात करने वाले जो आपका प्योर डिजिटल और एनालिटिक्स में डील करता है, पर ये पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक लेकिन कंपनी के बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट करता है। सो इस कंपनी का नाम है केल्टन टेक्नोलॉजी। अब इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी केल्टन टेक्नोलॉजी 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये कंपनी ग्लोबल लीडर इन टर्म्स ऑफ कहूँ तो डिजिटल एक्सपीरियंस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड करता है थ्रू डेटा एनालिटिक्स हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें, जहाँ पर ये वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री मीट करते हैं, जैसे कि आपका रिटेल इंडस्ट्री हो गया, ट्रैवल, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, एनर्जी, बहुत सारे। और ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपका स्टार्टअप से लेकर के 500 फॉर्च्यून कंपनीज को प्रोवाइड करती है कंपनी, राइट। इनका काफ़ी अच्छा खासा वास्ट कहूँ तो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर AG करके हो गया, म्यूल सॉफ्टवेयर हो गया, SAP हो गया, IBM हो गया, ये सब कंपनी के साथ में इनका टाइप है, जिनका कैपेबिलिटीज यूज करके ये अपने कस्टमर को अच्छा सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने खुद के ग्रोथ के लिए भी। अभी के टाइम पे देखिए कंपनी आपका यूनाइटेड स्टेट हो गया, UK हो गया, सिंगापुर, आयरलैंड, इंडिया में प्रेजेंट है। ये कंपनी अच्छा खासा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मोर देन 300 क्लाइंट्स के ऊपर अवेलेबल है। तो ये था कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, कैसे कंपनी जनरेट करती है। तो सबसे पहला बिजनेस इस कंपनी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे कंपनी इवॉल्विंग डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गया या न्यू चैनल वर्किंग और जो एंटरप्राइजेस उनको हेल्प करता है उनके एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने के लिए, उनके कस्टमर को, सो दैट उनके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ सके उनके क्लाइंट्स के पास, जहां पे ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, एंटरप्राइज मोबिलिटी, IoT, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये सारे का सारा सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है और डिजिटल एक तरह से कन्वर्ट कर डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके अंदर में ये सब टेक्नोलॉजी कंपनी यूज करती है। ये सेगमेंट ही कंपनी को ऑलमोस्ट 81.7% के आसपास बिजनेस जनरेट करता है, मतलब पूरा का पूरा कंपनी डिजिटल बॉर्न है, राइट, 2009 से जब से एस्टैब्लिश हुआ है। दूसरा इनका बिजनेस है एंटरप्राइज सॉल्यूशन, जहाँ पे कंपनी कहूँ तो अच्छा खासा इनसाइट प्रोवाइड करता है, डीप डोमेन नॉलेज है, क्रॉस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है थ्रू डिजिटल सॉल्यूशन, जहाँ पे कंपनी कॉम्प्लेक्स चैलेंज जो भी कंपनीज को रहते हैं वहाँ पे हेल्प करते हैं उनके क्रिटिकल बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। आपका API बेस्ड ई कॉमर्स हो गया, ERP सॉल्यूशन हो गया, डेटा एनालिटिक्स सर्विस हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, ये सब भी कंपनी प्रोवाइड करती है। एंटरप्राइज सॉल्यूशन इनको अराउंड 14.3% के आसपास पूरे बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है। लास्ट इनका सर्विस है अदर सर्विसेज की बात करें, जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, प्लेटफॉर्म मॉडर्नाइजेशन हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, रिसर्च एंड डिजाइन हो गया एक्सेट्रा, ये कंपनी प्रोवाइड करती है, सो दैट वो बिजनेस काफ़ी फास्टर हो सके, बेटर हो सके और सिंपलर इससे पहले जैसा था उससे और बेटर हो सके, राइट। तो कंपनी का ये सेगमेंट से कहूँ तो 4% के आसपास बिजनेस आता है।
इस कंपनी का जो ओवरऑल अगर हम देखें जो वर्टिकल सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है रिटेल, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस सर्विस, जो लगभग 70.6% के आसपास पूरा का पूरा ये वर्टिकल बिजनेस देता है। और इनके टॉप 10 ऐसे कस्टमर हैं जो ऑलमोस्ट 27.9% के आसपास बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन करना है जो 24th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जो लेफ्ट साइड में आप डेटा देख सकते हो जहाँ पे कैंडल स्टिक्स पैटर्न, मूविंग एवरेज, हाई केनाशी, पुल बैक स्ट्रैटेजी या आपका स्टोकैस्टिक, फिबोनाची, हाई आपका ए टू जेड इसके अंदर प्राइस एक्शन से लेकर हर एक चीज़ इस कोर्स के अंदर कवर किया जाता है सो दैट आप इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट कर सको और ट्रेड कर सको। ये कोर्स गारंटीड और रिफंडेबल अगर आपको फर्स्ट लेक्चर पसंद नहीं आता है तो 3200 इसका फीस है सो दैट आप अफोर्ड कर सको, राइट। और ये कोर्स आपको मैं खुद पर्सनली पढ़ाता हूं, जब तक आप सीखते नहीं हो तब तक आप आने वाला थर्ड बैच, फोर्थ बैच, फिफ्थ बैच फिर से ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ में हर एक लेक्चर के बाद आपको इसका रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलता है सो दैट आप अच्छे से सीख सको और इन्वेस्ट और ट्रेड दोनों ही कर सको। जैसे कि आप जानते हो मैं स्टॉक एनालिसिस कोर्स भी पढ़ाता हूं जो कि 12th बैच फिलहाल चल रहा है, 13th बैच दिसंबर में आपका स्टार्ट होगा जहां पे ऑलरेडी मैंने अब तक 300 के ऊपर स्टूडेंट पढ़ा चुका हूं। सो आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो जो 24 से स्टार्ट हो रहा है या फिर ऊपर दिए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के बारे में और जानते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। तो सबसे पहला आता है कंपनी प्रेजेंस इनटू फ्यूचर टेक्नोलॉजी या कहूँ बॉर्न डिजिटल। ये कंपनी डिजिटली बॉर्न है जहाँ पे डिजिटल और एनालिटिक्स सर्विस एनालिटिक्स का यूज़ करके अपने कस्टमर्स का एक्सपीरियंस इंक्रीज करना, ओमनी चैनल हो गया, हर एक चीज़ में कंपनी मदद करती है, राइट। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है तो प्लस पॉइंट है। दूसरा, इस कंपनी का पार्टनरशिप है अच्छा खासा IBM, माइक्रोसॉफ्ट या SAP ये सब के साथ भी, तो ये चीज़ भी आपको नोटिस करना जिससे इनको टेक्नोलॉजी एडवांटेज भी मिलता है। तीसरा अगर देखें प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन या को डी रिस्क बिजनेस मॉडल, सो कंपनी आपका डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल से लेकर के एनालिटिक्स सारा का सारा सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, इनसाइट्स का यूज करके लीड जनरेट करने के लिए कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जिससे इसका और साथ साथ में कंपनी का अच्छा खासा प्रेजेंस भी है तो इसकी वजह से इनका जो बिजनेस मॉडल वो काफ़ी डी रिस्क हो जाता है। मतलब क्योंकि कंपनी आपका डिजिटल बिजनेस भी देता है, एंटरप्राइज सोल्यूशन भी देता है और कंसल्टिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता है। चौथा अगर बात करें स्टार्टअप एट इंक्यूबेशन टू फॉर्च्यून 500 कंपनीज, मतलब जो कंपनी स्टार्टअप अभी है वहाँ से लेकर के आपका जो 500 फॉर्च्यून कंपनीज जो ग्लोबली वहाँ तक ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है और प्रोवाइड भी कर रहा है। लास्ट अगर देखें तो ग्लोबल रीच इस कंपनी का, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट हो गया, UK हो गया, आयरलैंड, इंडिया, और भी कंपनी अपना ज्योग्राफिकल प्रेजेंस और इंक्रीज करना चाहती है। अब बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में। तो सबसे पहला आता है 140 न्यू क्लाइंट्स, मतलब इस कंपनी ने इस साल Q1 FY 2022 में 14 नए प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं। आपका ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी हो गया, लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हो गया, ई कॉमर्स कंपनी हो गया, रियल एस्टेट कंपनी हो गया, लीडिंग फिनटेक कंपनी हो गया, लीडिंग ह्यूमन रिसोर्स फर्म हो गया एक्सेट्रा, ये सारा का सारा प्रोजेक्ट इस कंपनी को Q1 में मिला है जो कि मुझे लगता है आपको टॉप लाइन आपको FY 2022 में देखने को मिलेगा इस कंपनी का रेवेन्यू। दूसरा बात करें रिसेंटली ये कंपनी के जो मैनेजमेंट है जो निरंजन चंदन करके, उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में जो कंपनी का फिलहाल $100 मिलियन के आसपास का जो टॉप लाइन है वो कम से आपको $300 मिलियन के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके लिए कंपनी अभी के टाइम 400 एम्प्लॉयज़ को हायर करें काफ़ी रैपिडली सो दैट उनका बिजनेस ग्रो हो सके और उनके जो डिमांड है क्लाइंट्स के वो मीट हो सके, राइट। तो एम्प्लॉयज़ काफ़ी तेज़ी से हायर कर रही है कंपनी, ये चीज़ भी आपको देखना है। थर्ड अगर हम बात करें कंपनी अभी के टाइम पे अपना कंप्रिहेंसिव पैकेज प्रोवाइड कर रहा है सोल्यूशन और सर्विस, मतलब जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको दूसरे दूसरे प्रोडक्ट जो वो भी उनको बेच रहे जहां से इस कंपनी का रेवेन्यू लॉन्ग रन में बेहतर हो सकता है, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। चौथा अगर बात करें इस कंपनी का जो ज्योग्राफिक में ऑलरेडी यूरोप में ऑलरेडी प्रेजेंस है वहाँ पे अभी के टाइम पे सिर्फ 7% के आसपास बिजनेस वहाँ से आता है, लेकिन आने वाले वक्त में ये कंपनी अपना जो बिजनेस यहाँ से 7% का डबल करना चाहती है 14% के आसपास, मतलब यूरोप में भी इनको बहुत सारे क्लाइंट्स मिले उसके बेसिस पे कंपनी कह रही है। सो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। तो आप लेफ्ट साइड में इस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देख सकते हो, 2019 में ये कंपनी 819 करोड़ के आसपास
रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, वहीं पे 2021 में 780 करोड़ के आसपास पहुंच गया। मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सबड्यूड या कहूँ तो नॉर्मल है, ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को नहीं मिला है। वहीं पे प्रॉफिट की बात करें आप देख सकते हो 77 करोड़ 2019 में, वहीं पे 2021 में 71 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी का ओवरऑल इबिट्टा काफ़ी कहो तो परफॉर्म नहीं करता, जिसके वजह से ओवरऑल कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट इतना खास नहीं है। लेकिन ये कंपनी माइक्रो कैप है, ये चीज़ आपको नोटिस करना, मतलब काफ़ी छोटा स्टॉक है, राइट। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है, 1000 करोड़ के भी आई थिंक नीचे है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि ये कंपनी अगो तो 71.12 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का काफ़ी कम रहा है, राइट। उसके बाद अगर इस कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2019 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25.85 करोड़ के आसपास था, वहीं 2021 में इंक्रीज होकर 38.82 करोड़ के आसपास पहुँच गया। मतलब कंपनी के पास बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लिक्विड फंड अवेलेबल जो यूज़ करे कंपनी अपने जो भी करंट कैपेक्स हो या कोई भी प्लानिंग उसमें यूज़ कर सकते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में। वहीं पे डेट की बात करें, कंपनी का 2019 में 35.92 करोड़ के आसपास था और अभी के टाइम पे 30.63 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी के ऊपर डेट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक तरह से को तो सेम नज़र आ रहा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट करती है, ये चीज़ भी आपको नोटिस करना है, राइट। तो कम से कम तो डिसेंट है, इतना खास भी नहीं है पर डिसेंट है। लास्ट इस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप ऑब्जर्व करोगे 2019 में ये 58.92 करोड़ के आसपास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट कर रहा था, वहीं 2021 में इंक्रीज होकर के 79.48 करोड़ के आसपास पहुंच गया। मतलब कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ग्रो हुआ है, ये चीज़ आपको नोटिस करना है। मतलब कंपनी आने वाले वक्त में शायद अच्छा नंबर रिपोर्ट करने का पोटेंशियल भी रखती है। फ्री कैश फ्लो देखें 2019 में 48 करोड़ था, 2020 में काफ़ी इनका डिक्लाइन हुआ था और इन्होंने अपने दो ऐसी सब्सिडी, एक सब्सिडी को इन्होंने एक तरह से को तो बेच भी दिया था क्योंकि उनका जो बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से। और 2021 में इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो 73.76 करोड़ के आसपास पहुंच गया। सो ओवरऑल कहूं इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी डिसेंट है, ग्रेड भी नहीं है और बेकार भी नहीं, मतलब काफ़ी डिसेंट है, राइट। इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही कम है, आई थिंक 489 करोड़ के आसपास है, राइट। तो काफ़ी छोटा, मतलब 1000 करोड़ से भी आधा है, ये चीज़ आपको नोटिस करना है। तो इसके वजह से ये कंपनी लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से परफॉर्म कर पाएगा। इस कंपनी के अंदर रिस्क एंड वैल्यूएशन की अगर हम बात करें कंसर्न, तो पहला रिस्क इस कंपनी में मुझे दिखाई देता है वर्किंग कैपिटल डेज। वर्किंग कैपिटल डेज अगर हम बात करें कि कंपनी का जो टोटल रिसीवेबल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, मतलब उनको क्लाइंट से जो बिजनेस जनरेट करे वहां से पैसा नहीं आ रहा है, तो उसके वजह से इस कंपनी का एक कहूं तो जो रिस्क है वो इंक्रीज होता है, 119 डेज के आसपास दिखा रहा है। दूसरा रिस्क इस कंपनी में करेंसी रिस्क या कहूं तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, मतलब ये कंपनी का जो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 81% के आसपास यूएसए से आता है, अगर करेंसी में फ्लक्चुएशन होता है तो इस कंपनी को काफी फर्क पड़ सकता है। सो ओवरऑल कहूँ इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी डिसेंट है, स्मॉल एकदम माइक्रो कैप है 489 करोड़, तो ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशन रखना कि शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देगा ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन जो कंपनी कहूँ तो फ्यूचर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में डील करता है, AI और डिजिटल, तो जिसके वजह से एक कंपनी में मेरे ख्याल से 5 से 6 साल में बेट करना काफ़ी बेहतर है। दूसरी चीज़, इस कंपनी का मैनेजमेंट का अगर आप इंटरव्यू देखोगे, कॉन कॉल पढ़ोगे, तो उसमें आपको काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक देखने को मिलेगा और ये कंसिस्टेंसी देखने को मिला। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारा बिजनेस लास्ट 3 to 4 years से काफी कंसोलिडेशन फेज में, क्योंकि रिसेंटली अब जाकर के डिजिटल और AI का डिमांड इंक्रीज हुआ है, तो उसको भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, तो आने वाले वक्त में कंपनी को और प्रोजेक्ट्स मिलेगा तो कंपनी और तेजी से ग्रो कर पाएगा। सो मेरे ख्याल से, अकॉर्डिंग टू मी, इस कंपनी में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो 5 से 6 साल के बाद का प्लानिंग करना चाहिए। लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो आप अपना रिसर्च भी जरूर कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सो होप सो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।